अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी। ICC T20 वर्ल्ड कप जारी है, सनसनीखेज मुकाबले हो रहे हैं और कल जो मैच हुआ इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान जहीर साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इरफान साहब, 131 रन्स का हदफ जो है ना वो पहाड़ बन गए हैं, इतने डिसअपॉइंटेड हैं सारे पाकिस्तानी, क्या कहेंगे? कहने को बहुत कुछ भी है और कुछ भी नहीं है, क्या कहा जाए जी। बड़ा फिर एगरनेस पूरी नेशन के अंदर है। हम जैसे कहते हैं कि पूरी नेशन को यूनाइटी एक स्पोर्ट रह गई हमारे पास, यही करती है और पूरी नेशन को प्लेयर भी यही प्रोवाइड करती है। इसको बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें डायसेक्शन करनी पड़ेगी एक चीज़ की। सबसे पहले ये कि टीम सिलेक्शन ठीक नहीं थी। आपके साथ भी मुझे मेरा ख्याल वीक 10 डेज हो गए हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट डेफिशिएंसीज लूप होल के ऊपर बात करते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे ग्रेजुअली वो सब सामने आते जा रही हैं। टीम अनाउंस हुई तो हमने बात की कि 3-4 प्लेयर ऐसे थे जिनको होना चाहिए था स्क्वाड का पार्ट, वो नहीं थे बिल्कुल। सबसे पहले बॉलिंग लाइनअप के अंदर बात करें तो मैंने शुरू से कहना शुरू किया कि आमिर या वहाब में से किसी एक को जरूर टीम का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आमिर जिस तरह का दुनिया में परफॉर्म कर चुका है और आप मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं वो ही शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। बट इस टीम मैनेजमेंट का या बोर्ड का ये माइंड सेट बन चुका है कि हमने कुछ प्लेयर्स को नहीं चांस देना, जिसकी प्राइम एग्जाम्पल एक सरजील भी है। ठीक है, किसी से अगर पास में मिस्टेक हुई है या तो उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन करें, हमें भी पता हो, देखने वाले को पता हो, पहले वो खेलते रहे हैं, अब आप उनको खिला नहीं रहे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, पाकिस्तान की टीम ने जीतना है। अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा, वो प्लेयर की हद तक बात कर लें, बोर्ड की हद तक बात कर लें, तमाम स्पोर्टिंग स्टाफ के हवाले से बात कर लें, तो सारों का जो एफर्ट्स हैं वो जीरो कंसीडर होंगी। अगर आपकी टीम जीत रही है तो नीचे से टॉप से लेके बॉटम तक सबके एफर्ट फ्रूटफुल हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। तो वो बड़ा जरूरी है। तो पहला ये है कि आपने अगर किसी प्लेयर को इस तरह पास में मिस्टेक है, आप प्रेसिडेंट सेट करें या तो उसको लाइफ टाइम बैन कर दें। ठीक है, अगर आपने आपके लॉ के अंदर ये अमेंडमेंट है कि उसकी अपनी पनिशमेंट को जिस तरह किसी और मसले के अंदर अगर किसी ने गलती की आपको सर्टन टाइम के लिए पनिशमेंट मिलती है, उसके बाद आप उसी तरह एलिजिबल है एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, तो अगर आपके लॉ के अंदर ये चीज प्लेयर्स के लिए भी है कि अगर वो खेल सकता है दोबारा, तो अगर आपने चांस दे भी दिया हुआ है अब नहीं दे रहे तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। बिल्कुल, टीम की रिक्वायरमेंट है उसको देना चाहिए। हाँ, अगर सेकंड टाइम करता है फिर तो आप उसको लाइफ टाइम बैन किया और उसे डोमेस्टिक से भी आप बैन कर बैन कर दें, तो वो तो बड़ा क्रिशल है। दूसरी अगर बात करें इस टीम के अंदर और प्लेयर की, अगर बात करें इमाद वसीम का टीम में पार्ट होना चाहिए था, वो बड़े टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ थे और परमानेंट मेंबर थे 3-4 ईयर से, आपने उनको भी विदाउट नो रीजन टीम से बाहर कर दिया है। फिर इसी तरह मिडल ऑर्डर की पूरे एक साल से बात हो रही है, परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिसको आप खिला सकते थे। सबसे ज्यादा पहले मैं शोएब मकसूद की बात करूंगा। शोएब मकसूद एक ऐसा प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में 170 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ रन करता है और नंबर 3 पे भी खेलता है, नंबर 4 पे भी खेलता है। तो यही दो नंबर आपके प्रॉब्लमेटिक थे, उसको लास्ट वर्ल्ड कप में भी रखा गया, इंजरी हुई उसके बाद आपने दोबारा उसको आज तक चांस ही नहीं दिया, तो ये बड़ी एक हमारे सिस्टम में मिस्टेक है। फिर हारिस सुहेल जो हमारा मिडल ऑर्डर के अंदर सबसे बेस्ट बैट्समैन माना जाता है, ओडीआई के अंदर भी, T20 के अंदर भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, ये बात इसलिए करें कि टेक्निकल साउंड बैट्समैन है, हमने उसको भी चांस नहीं दिया। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ इनके बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। बोर्ड ने कहा जी हमारा टेक्निकली साउंड और बेस्ट बैट्समैन जो है वो अब्दुल्ला शफीक है। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट में चांस दिया, उसने हमें 2-3 टेस्ट मैच भी जिताए भी। ओडीआई में भी मेरा मानना है कि वो खेला जा सकता था, डोमेस्टिक के अंदर भी लाहौर के अंदर जो T20 जीता अपना टाइटल उसमें भी अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो अब्दुल्ला शफीक की थी, तो आप अब्दुल्ला शफीक को कैरी कर सकते थे। अगर आप इन लड़कों को 1.5-2 साल से चांस दे रहे हो और परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो एटलीस्ट आप ये जो 3-4 मैंने नाम लिए इनमें से किसी 2 को तो आप कैरी कर सकते थे, कैरी कर सकते, ठीक है ना। आप खुशदिल शाह को अनलिमिटेड चांसेस हो चुके, हैदर अली को भी आपने बहुत रिलाई कर लिया, चले मैं उसको फिर भी हैदर अली को एक मार्जिन देता हूँ, यंगस्टर है। आसिफ अली को बहुत टाइम से आप कैरी कर रहे हो, तो आपने प्योर टीम सिलेक्शन की जिसका रिजल्ट आपको इधर नजर आया। फिर अगर हम ये 2 मैचेस की तरफ आ जाते हैं, चले कल भी हमने बात की कि चले आपने जो टीम सेलेक्ट कर ली आपने उसके साथ स्टैंड किया, मेरा मानना है कि बाद में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पहले करनी है तो करें, क्योंकि आपको पता है कि जब टेंटेटिव स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाती है तो एक 20 डेज 25 की ब्रैकेट होती है जिसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, वो 15 अक्टूबर थी, तो फिर मेरा मानना था कि बाद में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर जिनका नाम पहले आ चुका
फिर आपको किसी भी रीजन से उसको बाहर करेंगे तो उसका मोरल लाइफ टाइम गिर जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा सोसाइटी के अंदर भी, प्लेयर्स के अंदर भी, वो अपने आप को फेस नहीं कर पाएगा कि मैं किस तरह से, मेरा नाम पहले आया, मैं अपने मुझे निकाल दिया जी, कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए गया, अब मुझे बाहर कर दिया गया, और किस तरह जस्टिफाई करेगा वो बेचारा, बहुत डिग्रेड फील करेगा। एब्सोल्युटली। तो ये चले आपने उनके साथ स्टिक किया, फिर आ जाते हैं हम कल के मैच के लिए। हमने कल भी है ना बात की, परसों भी बात की कि फखर जमान एक ऐसी कमोडिटी है, चले आपके पास जो अब सोर्सेज आ गए उसी में से आप ठीक सिलेक्शन कर लें, कर लें। फखर जमान एक ऐसी कमोडिटी है जो इन पिचेस के ऊपर अच्छा खेलता है, जिसको जब बॉल ऊंचा आता है बैट पे आता है तो वो अच्छे स्ट्रोक खेलता है, आपने उसको भी चांस नहीं दिया। फिर आपने मजीद गलती ये की कि हैदर अली ऊपर वाले नंबरों पर खेलता है, पेस को अच्छा खेलता है वो तीसरे या चौथे नंबर पे, आपने उसको भेजा आसिफ अली के नंबर पे, जो आसिफ अली का छठा नंबर था। बिल्कुल। जब आपने आसिफ अली के नंबर पे खेलना था, ये बड़ी टेक्निकल चीज है, एक प्लेयर अगर ओपनर है तो वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर है तो वो ओपनर नहीं खेल सकता, ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है। कुछ लोग कहते हैं वो आप प्रोफेशनल जिस मर्जी नंबर पे खेलें, भाई ऐसे नहीं होता, हर प्लेयर का एक नंबर है। अब जो बॉलर न्यू बॉल से बॉल करता है वो न्यू से करता है, बिल्कुल ऐसे। स्पिनर न्यू बॉल से इफेक्टिव नहीं हो सकता, स्पिनर ने जब थोड़ी गेंद पुरानी हो जाती है फिर उसकी बॉल ग्रिप करेगी, फिर वो स्पिन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इसी तरह कुछ बॉलर्स होते हैं वो डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं, जैसे पास में हम शुएब अख्तर को या वसीम अकरम को, या वसीम अकरम तो खैर दोनों बॉल अच्छी, वकार यूनुस की बात करें तो वो न्यू बॉल के साथ अच्छे बॉलर नहीं थे, बट वो डेथ ओवर के अंदर उनसे दुनिया में लीथर कोई बॉलर आज तक नहीं आया। इसी तरह हारिस स्टोव न्यू बॉल के साथ इतने इफेक्टिव नहीं है, पुरानी बॉल के साथ बहुत इफेक्टिव है। तो आपने हर एक को रोल देना दिया होता है टीम के अंदर, तो जब आपने हैदर अली को जब खिलाया था तो उसको ऊपर वाले नंबरों पर भेजते, आप उसको छठे नंबर पर भेजते, तो पुअर कैप्टनसी सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट इसका क्रक्स जो है पूरी डिस्कशन का, कि पूर कैप्टनसी के आपको टीम ना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बाबर का कंसर्न ये था एक साल पहले कि मुझे अथॉरिटी ज्यादा दी जाए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सब कुछ हूँ। बिल्कुल। अब जब आपको अथॉरिटी दे दी गई, इन्होंने पीसीबी ने इवन अपनी रिलीज जारी की कि बाबर को, ये आपके चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने सारी अथॉरिटी इसको दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके पास है, अथॉरिटी भी इसके पास है, ये किसी को भी ऐड कर सकता है, किसी को भी माइनस कर सकता है, इसके पास सारी अथॉरिटी है। जब आप सारे राइट्स रखते हो तो फिर आप किस तरह फिर इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कैसे कर सकते हैं। अच्छा इरफान साहब, हमारी कल वैसे पूरी बैटिंग लाइन ही खराब थी, ठीक है, और मिडिल ऑर्डर की तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, उस पर बहुत तनकीद होती है कि जी मिडिल ऑर्डर जो है वो हमारा खराब है, किस तरह से मिडिल ऑर्डर को ठीक किया जा सकता है? देखिये कल मैं एक लास्ट पॉइंट उसमें ऐड कर दूं, असल में जो जहाँ में टर्निंग पॉइंट कहना चाहिए मैच का, जहाँ में पाकिस्तान ने मैच अपनी ग्रिप से लूज किया, वो शादाब का स्ट्रोक था। पाकिस्तान के तीन आउट थे और ऑलमोस्ट 50-60 की पार्टनरशिप शान मसूद और शादाब की लग चुकी थी, उस टाइम मेरा ख्याल है हार्डली 40 स्कोर रह गए थे, 40 रन हमने करने थे मजीद, शादाब ने छक्का भी लगाया सिकंदर रजा को, उससे वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर फिर रैश स्ट्रोक खेला। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं क्रिकेट के अंदर है ना गेम अवेयरनेस। दुनिया में जितने भी ग्रेट्स बने हैं, जिसको हम कहते हैं लार्जर देन लाइफ वाले प्लेयर, हम इमरान खान की बात करते हैं, सर वेवर रिचर्ड की बात करते हैं, वसीम अकरम की बात करते हैं, मैं सरफराज को भी इसी जगह पर रेट करता हूँ, इंजमामुल हक की हम बात करते हैं, जुनैद मियांदाद की बात करते हैं, इंडिया के अंदर बात करें तो धोनी से बड़ी गेम अवेयरनेस मैंने दुनिया में किसी प्लेयर की नहीं देखी जितनी उसके पास थी। तो ये सारी गेम होती है गेम अवेयरनेस की। एक आम प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर में ये डिफरेंस होता है। बिल्कुल। आम प्लेयर पैनिक कर जाता है, अच्छा मुझे नहीं पता अब क्या करना है, ग्रेट प्लेयर को इतनी गेम अवेयरनेस होती है कि यार अभी ये पोजीशन अभी मैंने ऐसे करना है, इसको मैंने सी ऑफ करना है, इसको मैंने नहीं मारना। जैसे कोहली की मिसाल ले देते हैं, अभी रिसेंट लास्ट मैच में सारी उनके स्पेक्टेटर लूज कर चुके थे होप को कि हम हार चुके हैं, हार चुके हैं, वो कंटेंटेड था, उसका फेस देखें, एक्सप्रेशन देखें कि उसको स्ट्रॉन्ग हेडेड, हाँ स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो इतना उसके अंदर विल पावर थी कि नहीं मैं आखिर तक जाऊंगा तो जिता दूंगा, और उसने किया। अगर वो भी पैनिक कर जाता, रैश स्ट्रोक खेलता शुरू में, तो वो भी अपनी लूज करता। ये गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए, प्रेशर हैंडल करना चाहिए। इतने ज्यादा टाइम हो चुका है, अब ये सारे अब कहते हैं यंगस्टर है, यंगस्टर कहाँ है मुझे बताएं, सिर्फ सवाए शान मसूद जो है वो थोड़ा T20 खेला हुआ है, अभी 2-3 मंथ पहले उसकी इंडक्शन हुई है टीम में जी, बट वैसे देखा जाए तो वो 7-8 साल से टीम के साथ है, बाकी जितने लड़के हैं सबको 3-3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं टीम के साथ खेलते हुए, तो उस तरह तो समहाउ यंगस्टर कोई भी नहीं है। यंगस्टर तो वो होता है जिसको भी 1 मंथ या 2 मंथ हुए हो, या एटलीस्ट 5-6 मंथ हुए हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि इसके पास एक्सपीरियंस कम है। अब शादाब 2016 से खेल रहे, अब 22 चल रहा है, तो आप 6 साल की क्रिकेट खेल के और वाइस कैप्टन हो टीम का, और फिर इसी तरह शान मसूद जिस तरह आउट हुए कि आपकी बॉल लेग्स पर आ रही है, बैलेंस आउट कर रहे हो,
ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्रिकेट के अंदर आप चीज़ें हो जाती हैं, बट इस तरह भी नहीं होती कि आपको अपनी सिचुएशन या मामलात को देखते हुए आपको पता ना चले। देखिए, हम एज ए स्पेक्टेटर या एज एनालिस्ट जब देखते हैं तो अच्छी बॉल पे आउट होना, किसी की दूसरी चीज़ हो जाना, वो सब हमें समझ आती है बिल्कुल, कि ये उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली या कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग होगी आपके लिए कि आपको आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो सब समझते हैं कि यार ये इनका देन नहीं था, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे गए। बिल्कुल, एक चीज होती है कि आप खुद प्रोवाइड करते हो किसी चांस दे रहे हो किसी को आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। अब जब इस तरह आप करके, अब जैसे वसीम जूनियर आया बैटिंग करने के लिए, तब भी हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे थे, उसने चार चार पांच पांच बॉले कंटिन्यूअसली बीट की। बिल्कुल, बॉलर्स की परफॉर्मेंस इरफान साहब काफी बेहतर थी। अगर बात की जाए वसीम जूनियर की भी, अगर हम बात करें तो उन्होंने चार खिलाड़ियों को आउट किया, तो बॉलर्स के बारे में क्या कहेंगे और वसीम जूनियर के बारे में स्पेसिफिक? देखें, वो तो सिलेक्शन उसकी ठीक थी, कल हमने भी एक सेगमेंट किया था जब हम बात कर रहे थे प्री मैच, वसीम जूनियर का बनता है और जमील भी था बल्कि उसको बहुत देख कर रहे थे, हमने कहा बिल्कुल उसकी सिलेक्शन बनती है, तो क्योंकि वो बैटिंग भी थोड़ी कर लेता है उसी वजह से उस पर किया गया, बट आपको एज ए ऑलराउंडर खिलाया गया। जब आपको एज ए ऑलराउंडर खिलाया गया तो आपने आके पहले 7-8 बॉल्स डॉट खेली, आपको बैट से बॉल नहीं लगी। इसमें डॉट बॉल के ऊपर मैं एक स्टैट्स आपसे शेयर करने लगा हूँ, दुनिया में जितनी भी टीम्स हैं पावर प्ले के ऊपर, आपको भी अब तो सबको याद हो गया होगा कि वो तेज खेलती है, 6 ओवर के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइज करती है। बिल्कुल, वो इसीलिए करती है कि पावर प्लेयर में रन्स करना आसान है। पहले 6 ओवर के अंदर सिर्फ 2 फील्डर आउटसाइड द सर्कल होते हैं, तो आप उनके ऊपर से अंदर से शॉर्ट खेल के रन ज्यादा बना सकते हैं। बिल्कुल, अब जिम्बाब्वे के इंटेंट देखें, उन्होंने आते साथ अटैक किया, पहले ओवर में 17 किया उन्होंने और 3 ओवर्स के ऊपर उनका वो स्कोर 30-35 कर चले गए थे। पावर प्ले की बात करें तो उनका टोटल जो था वो 46 था, ठीक है, पाकिस्तान को 28 था। exactly. हमारा जब फिर वही बात, हम किस तरह हम ये चीज डाइजेस्ट करें कि बाबर रिजवान दुनिया के नंबर वन बैटर हैं, अभी तो खैर उनसे स्कोर ही नहीं हो रहा ना, जब स्कोर होता था तब भी वो उनका स्ट्राइक रेट यही रहता था। आप देखें, आप सेकंड ईयर के, अब प्रॉब्लम क्या आया है, आप किस तरह बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। पहले आप होता था कि आप 70% मैचेस जीते थे, जिसपे आपका बोर्ड भी यही स्टांस ले रहा था कि हम कि हमारे स्टैट्स देखें 70% हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, उसमें यह था कि आप अच्छी टीमों से हार रहे थे, सेकंड ईयर की टीमों से जीत रहे थे। आप जब एशियन कंडीशन से आप बाहर आए, आप मुश्किल कंडीशन में आए जहाँ पे क्लाइमेट भी डिफरेंट है, बादल भी आ रहे हैं, बाउंस भी ज्यादा आ रहा है, आप सेकंड ईयर, ये सेकंड ईयर की टीम नहीं है, ये थर्ड ईयर की टीम है, ये क्वालिफायर राउंड खेल के आई हुई है, आप थर्ड ईयर की टीम से भी हार गए, तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। अब करने की ये चीज है कि आपको ना इस पे बड़े लार्जर स्केल पे सब कुछ चेंज करना होगा। अच्छा इरफान साहब, हम कल भी ये बात कर रहे थे जब हमारी मैच से पहले डिस्कशन हो रही थी, तो आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का अब रन रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे मार्जिन से उनको जीतने की जरूरत है। वो तो खैर हम अचीव ही उस तरफ तो हम आए नहीं, उस तरफ तो हम आए नहीं। मुझे ये बताइए, अब सेमीफाइनल में क्या कोई फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं? क्या कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है, उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है? इसका ठीक आंसर दूं या दूसरा आंसर आपको प्रोवाइड दूं? वो एक बड़ी अच्छी मीम थी इसके ऊपर जी, उसने कहा एक तब पॉसिबल है कि बारिशें हो, सैलाब आ जाए, बाकी टीमों के मैचेस के अंदर 2-3 टीमों को कोई बीमारी लग जाए, कोविड हो जाए या कुछ हो जाए, वो बड़ी लंबी चौड़ी थी वो मैं बोल भी नहीं सकता, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। ऑन अ सीरियस टेक्निकल, हाँ ऑन अ सीरियस नोट या टेक्निकली देखा जाए जी, जो हमेशा हमारी हिस्ट्री रह चुकी है कि हम इस तरह के ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, फिर अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, अब ये है कि उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि भारत तो लग रहा है कि वो क्वालिफाई मस्ट कर जाएगा, साउथ अफ्रीका को भारत भी हराए और हम भी हराए, तो फिर एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि साउथ अफ्रीका नीचे जाता है। दूसरा ये है कि फिर कहीं जिम्बाब्वे ऊपर ना चला जाए, जिम्बाब्वे को बांग्लादेश या नीदरलैंड में से कोई भी एक टीम हराए, इंडिया तो हराए इन दोनों में से भी कोई टीम हराए और हम अपने सारे मैचेस जीते, तो दिस इज द वन ऑप्शन इट स्टिल रिमेन, तो वो हमें उसके ऊपर क्या लग रहा है, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? अभी तक वैसे आपकी सारी प्रेडिक्शंस जो है वो ठीक साबित हो रही हैं, सो आई वुड रियली वांट टू नो कि मतलब चांसेस तो अब बहुत रेयर रह गए हैं, अब तो ये देखें जिस तरह की देखें उसमें, अब अल्लाह, हम तो बीइंग अ मुस्लिम लास्ट हमारी होप तो सारी अल्लाह ताला से जुड़ जाती है और दुआएं करते हैं, वो हमारा जो पैशन है या पेट्रियटिज्म है वो तो इंटैक्ट रहेगा टीम के साथ और दुआ करते रहेंगे हम भी कि अल्लाह ताला ऐसा को मौजा कर दे जिस तरह कई दफा हुए हमारे साथ। अभी भी है ना मेरा मानना है कि टीम
बेहतर कर सकती है, सिर्फ टीम सिलेक्शन ठीक करके और 10 चेंज कर ले। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, नेक्स्ट मैचेस में ये बहुत मारेंगे अब सारी टीमों को। अच्छा, अब ये अब देखिएगा क्योंकि अब ये डिजास्टर से गुजर गए। अब इनको पता है कि अब जो हमारे पास नथिंग टू लूज है, ठीक है। ये कल का मैच ये किसी वजह से नहीं हारे, ये सिर्फ पिछला जो मैच हारे हुए थे ना उसका प्रेशर ले गए। ये सिर्फ पिछला मैच जो हारे हुए थे इस तरह की जो डिफीट होती है ना, शायद आपको याद हो मैंने वेरी नेक्स्ट डे आगे आपको कहा था, इस तरह की जो डिफीट होती है ना वो आपको गिरा देती है, आपसे उठना बहुत हो जाते हैं, और इस तरह की विक्ट्री जो होती है ना आपको उठा देती है और वो फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टर। आप देखिएगा भारत बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो कोलैप्स कर सकता है किसी भी टाइम पे, लेकिन वो जिस तरह की विक्ट्री उन्होंने ली ना वो उनको मोराल को जमीन से आसमान पे ले जाएगी। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं उनका तो मोराल बिल्कुल बहुत। तो हमारा जो प्रॉब्लम जो आया वो यही आया कि जिस तरह की वो विक्ट्री से ये उससे बाहर नहीं आए, वो डिफीट इनके हैम्पर कर गई, इन शेल में ही वो चले गए, वो शेल में थे, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था बॉलिंग करते हुए भी सारा, और खासतौर पर जब बैटिंग करने आए कि कहीं हम आउट ना हो जाए, अगर इससे हार गए तो क्या होगा। आप उनकी शॉर्ट सिलेक्शन देखते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखें, टोटल एक शेल में थे हमारी टीम, और वही इम्पैक्ट इनके ऊपर आया, वो प्रेशर, ये गेम कल वाली तो प्योरली प्रेशर की वजह से हारे हैं वो, और जिस तरह चार बॉलों पे चार चाहिए थे, कॉमन सेंस की बात ही, आप सिंगल टैप करके भी कर सकते थे, ठीक है, आप एटलीस्ट पहले रन अ बॉल करके इक्वल करते फिर उसके तरफ चले जाते, इवन आपकी बीट भी हो रही है, भाग के भी कुछ कर सकते हैं, एक रन से हारना जो है ना ये बहुत जो है ना तकलीफ दे बात है, प्रेशर इनको लेके बैठ गया। और मैं जिस तरह कह रहा हूँ आप देखिएगा अब ये नेक्स्ट गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है, हाँ, लेकिन वो हमारा परफॉर्म करना तो जरूरी है, साथ ये है कि वो दूसरी टीमों की जो टर्म्स एंड कंडीशन अटैच हो गई है एग्जैक्टली, कि वो उससे जीते वो उससे हारे, तो वो अगर एक अल्लाह ताला स्क्रिप्ट लिखता है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ऐसा हो गया तो शायद हम आगे, मुश्किल है लेकिन विल से इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल अल्लाह ताला ने अभी भी एक विंडो हमारे लिए रखी हुई है, ओपन रखी हुई है, कुछ भी हो सकता है, काया पलट भी सकती है। चलिए जी, वी होप फॉर द बेस्ट। इरफान साहब, आज के मैचेस के बारे में भी बताइए। पहला मैच तो अबैंडन कर दिया गया अगेन, ये हमने डेली बात कर रहे हैं कि आईसीसी को इस पे देखना चाहिए कि वेदर कंडीशन को देखते हुए इक्विपमेंट की सिलेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मुकाबले जो मैचेस ही नहीं हो पाएंगे तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर स्पेक्टेटर्स हैं, ठीक है ना, वो दो साल तीन साल वेट करते हैं इवेंट का, जब इवेंट आ रहा है तो इवेंट के मुकाबले नहीं देखे जा रहे, तो तमाम शायद क्रिकेट जो है, क्रिकेट लवर जो है वो अफेक्ट उस पर आता है। और दूसरा ये मैच जो सेकेंड बिगेस्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आर्च राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की है उसी तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, दोनों बेहतरीन टीम्स हैं, बेहतरीन टीमें, और इंग्लैंड तो खैर बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, बट वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, वो सारा कुछ उनका, और इंग्लैंड का गिरा हुआ है कि आयरलैंड से वो हार के आए, एग्जैक्टली, लेकिन बट उनके पास भी अब ऑप्शन नहीं है, अगर लेट्स सपोज किसी वजह से इंग्लैंड आज मैच हार जाता, दिस दे आर आल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन है, मोस्ट फेवरेट थे बिफोर द वर्ल्ड कप, ये कंटेंडर थे, तो मेरा ख्याल है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सिमिलरली ऐसा ही है, उन्होंने भी न्यूजीलैंड से अपना मैच हारा हुआ है, अगर आज वो भी हारते हैं तो देयर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, मतलब फिर शायद उनका जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उस लिहाज से ऐसे बड़ा मुश्किल है कि किस तरह आप आगे लेके चलते हो। अच्छा इरफान साहब, ऐसे देखा गया कि जो छोटी टीम्स हैं वो ऊपर की तरफ आ रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। देखिए उसकी यही रीजन हम डेली डिस्कस कर रहे हैं कि अब T20 छोटा फॉर्मेट है, उसमें एक आधा स्पेल, एक आधा ओवर, एक आधा किसी की बैटिंग क्लिक कर जाए तो कुछ भी हो सकता है। ODI और T20 टेस्ट में बहुत मुश्किल होता है छोटी टीम के लिए रिकवर करना या उसी प्रेशर को इंटैक्ट रखना। T20 हार्डली 3 आवर्स की या 3.5 आवर की गेम है, 20 ओवर्स के अंदर मैंने एक आधा स्पेल किसी की इनिंग ऐसी अच्छी लग जाए, उस पहले एक ऐसा अच्छा हो जाए, जैसे सिकंदर आजाद 2 बॉलों पे 2 विकेटें ले गया, पूरा 100% मैच हमारे कंट्रोल में था, तो एक स्पेल, एक ओवर उसका, 2 विकेटें इकट्ठी लेने से हम मैच कि वो साइड पे टोटल डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसलिए आप किस कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट जो इंटेंट है ना, मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, इंटेंट आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो फेयरलेस क्रिकेट है, फेयरलेस क्रिकेट आप खेलें, इंटेंट अपनी पॉजिटिव रखें और अग्रेसिव रखें। आप नहीं जीत सकते इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कि हमने एक 40-50 की क्रिकेट करके अगले को आउट कर लेना है, या हम शुरू में 4-5 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, बाद में हम कोप अप कर लेंगे, नहीं वो पॉसिबल ही फिर नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आपने आप देख लिया ना अब कि आप थर्ड टीयर की टीम ने भी आपको हरा दिया, तो अब आपने देखना है कि अब हमने उसी तरह अग्रेसिव जाना है और दूसरी टीम को पूरी किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ जाना है, अटैक करना है, क्योंकि अब आप कॉम्प्रोमाइज वाली जो सिचुएशन में आएंगे ना, उससे आप बाहर निकलना बहुत जरूरी है और उस शेल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर ये सारा कुछ जिस तरह हो रहा है, अगर खुदा न खास्ता ये वर्ल्ड कप एंड भी इसी तरह होता है, एक दो आधी डिफीट और इस तरह आती है,
तो ये पूरा प्रेशर पूरे सिस्टम पे आएगा, लाइक पीसीबी चेयरमैन, फिर चीफ सेलेक्टर के ऊपर तो बहुत सबसे ज्यादा ऑनस आएगा, और उससे भी ज्यादा ऑनस बाबर पे आएगा। अच्छा, इस पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये टीम सेलेक्ट हुई, मीडिया का काम है बात करना, हम लोगों का भी, हमें भी जो लगता है ये चीज़ गलत है हम बात करते हैं उस पर, क्रिकेटर्स भी बात करते हैं, एक्स क्रिकेटर्स भी, तो इनका बड़ा सीवियर एग्रेशन था आगे से पीसीबी की तरफ से, चीफ सेलेक्टर का भी, मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात भी हुई जी। इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या चीजें हो सकती है, चेयरमैन साहब के भी बड़े इसी तरह के स्वेयर आर्गुमेंट्स थे आगे से, बिल्कुल, और ये ऐसे होना चाहिए, हम देखें, हम लड़कों को हमें बैक करना है। एशिया कप के हालने के ऊपर भी इन्होंने इसी तरह की स्टेटमेंट दी, कल से एक स्टेटमेंट किसी के सामने नहीं आई। देखें, जब आप कोई अदारा बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या टीम बनाते हैं, तो किसी एक को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। विक्ट्री की दफा तो सारे आ जाते हैं कि ये हमने किया ये, तो जब ऐसा आ जाता है तो कोई एक तो अपना बड़ापन का मुजाहरा करे, चाहे वो कैप्टन करे, तीन बड़े स्टेक होल्डर हैं, कैप्टन, चीफ सेलेक्टर या आपका जो चेयरमैन पीसीबी, और मेरा मानना यह है कि कोच भी संभव होता है, लेकिन कोच की मुझे इस दफा एक साल से टीम, सॉरी टू कट यू, लेकिन टीम की नाकामी की वजह किसको आप समझते हैं? मैं सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तो कैप्टन मैं मानूंगा, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर भी मुझे जो मेरे जराये बता रहे हैं 70-80% कैप्टन का रोल है। अच्छा। वो अपनी मर्जी के लड़कों को सिलेक्ट करवा रहे हैं कि मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़का चाहिए, और उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जब आप सिलेक्ट अपनी मर्जी के लड़के करवा रहे हो, खिलाफ अपनी मर्जी कर रहे हो, पूरा पाकिस्तान कहता रहा, मैं तो जितना मैंने बोला शायद किसी ने नहीं बोला होगा कि बाबर को ओपन नहीं करना चाहिए, दोनों एक तरह की पहले दिन से यही स्टांस है आपका। अब जब आप नहीं मानते किसी की, तो फिर आप आगे फेस भी तो करें, फिर आप कहें कि हाँ मैं नहीं मानता था किसी की, मेरी मिस्टेक, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फिर आप तैयार है ना जी, बिल्कुल तैयार है। तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबल बाबर इसके खुद है, और मेरा अगर आप ओपिनियन पर्सनल पूछे तो मैं बाबर को बिल्कुल रिलेट करता हूँ सचिन तेंदुलकर के साथ। अच्छा। सचिन तेंदुलकर दुनिया का नंबर वन बैट्समैन थे, ठीक है, अपने एरा के अंदर, अभी तक उनके रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर सका, और शायद लगता भी ऐसे ही, शायद ना कोई कर पाए, अभी रिसेंट टाइम के अंदर तो नहीं लग रहा, जैसे उनको कैप्टनसी दी गई कि उनकी परफॉर्मेंस अंडरमाइन होगी, ठीक है, और एक ग्रेट प्लेयर देखे खुद रियलाइज करता है, उन्होंने खुद रियलाइज किया, इवन मैं ब्राइम लारा की भी बात करता हूँ, वो भी कैप्टन रहे लेकिन वो थोड़ा लंबा टाइम कैप्टनसी की, बट सचिन तेंदुलकर ने जब देखा कि मेरी परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है, ये टीम के लिए बेनिफिशियल नहीं है मेरी कैप्टनसी जी, उन्होंने फौरन स्टेप बैक कर लिया अपनी कैप्टनसी से, और उनको रियलाइज किया कि मैं कैप्टन में कमोडिटी नहीं हूँ। देखिए, कैप्टन कमोडिटी होना इट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, एक दुनिया का बेस्ट बैट्समैन होना ये इंडिविजुअल चीज आ जाती है, कैप्टन होना कि 11 लड़कों की साइकोलॉजी को समझना, उनकी मेंटेलिटी को समझना, उनका उसका रोल प्योरली फादर फिगर की तरह होता है, तो जब आपका फादर फिगर ही थोड़ा सा उस लिहाज से उस तरह की चीजें हैंडलिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेडेड ना हो, आपको डिसीजन मेकिंग ना आते हो, आप अपनी चीज पे रिलक्टेंट हो करने में, और आपको दुनिया सारी कह रही है, बताया जा रहा है कि आप इस तरह करें, आप चेंज नहीं कर रहे, इधर रोल आता है स्ट्रॉन्ग कोच का भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्यों कॉम्बो की बात करता हूँ उसकी, सरफराज की और मिकी आर्थर की, सरफराज के पास गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी, पीछे से कंटिन्यूसली कैप्टनसी करके आया था, उसको एक ऐसा अथॉरिटेटिव कोच मिल गया साथ, जो हाँ सरफराज फंसता था, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा हुआ, हाँ जी, जहाँ क्योंकि फंसते हैं आप, कोई ना कोई प्लेयर आपके लिए प्रॉब्लम डाल देता है, कोई आपको रिलक्टेंट होता है आपकी बात मानने में कुछ, तो इस तरह का कोच आपका साथ खड़ा हो जो बहुत अथॉरिटेटिव है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो उस सारी चीजों को एड्रेस कर देता है, तो उसका रोल कैप्टन का जो बैलेंस आउट करना होता है कोच और कैप्टन ने, और तीसरी चीज लास्ट इस पे कि जो कोच का काम, असल कोच का काम जो है, एक तो सारों को मैनेज करना और दूसरा गेम प्लान दे के देना, अनफॉर्चुनेटली ये कोचिंग स्टाफ जीरो नजर आया गेम प्लान के अंदर। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी बात की कि कैप्टन और कोच की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत जरूरी है, उनकी केमिस्ट्री का अच्छा होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच इरफान साहब, मुझे और इरफान साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।